देख रहे हो ये क्या कर दिया यार। भाई जस्ट अभी पहुंचे, बहुत ही ज्यादा फॉग पड़ गया यार। यहाँ से दिखा रहा है हमें कुछ 12-12.5 घंटे का रास्ता। मैं निकला था तो देख रहे हो किसी ने ना यहाँ पर रैप फाड़ दिया हुआ है यार। चलना इसको, चलना तुमने इतने प्यार से बनवाया था ना मैंने ये। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग गाइस। तो कैसे हो आप सब, आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो भाई ये देख रहे हो क्या सीन चल रहा है, स्क्वाच अपना कंबल लेके बैठा है एंड तुषार भी कह रहे हैं ना नेट पे की रास्ता बंद है। मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक वो क्वेश्चन डाला था कि कसोल जाना चाहिए या हमें सीसू जाना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट आया हमें सीसू के लिए, तो हमने सोचा कि आज हम सीसू ही जाएं घूमने। हम जाने लगे यहाँ पे सीसू वैली, देख रहे हो भाई क्या जगह है भाई, क्या जगह है, मजा आने वाला है। तो इस टाइम पे भी वहां पे बर्फ तो होगी, बट मैंने सोचा था अभी ना मंडे के बाद वहां पे स्नोफॉल दिखाई है, बट हम मंडे को नहीं जा रहे क्योंकि बाद में स्नो हो जाएगी वहां पे, तो हम जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे रास्ता बंद हो जाता है। तो आज हम पहले ही वहां पे जा रहे हैं, थोड़ा एंजॉय वगैरह करेंगे। तो सीसू यहाँ से लगभग 550 किलोमीटर दूर है गाइस। तो पहले हम सोचे यहाँ से मनाली जाए, वो हमें पड़ेगा मे बी अराउंड 450 किलोमीटर, यहाँ से 12 घंटे का रास्ता। और अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं, तो हम इतने ज्यादा लेट हो गए ना, तो अगर हम अभी निकलेंगे ना तो मे बी शायद सुबह 4 या 5 बजे वहां पे पहुंचेंगे। तो पहले हम सोच रहे थे कि होटल की बुकिंग वगैरह यहाँ से ही करवा ले, बट पहले निकलते हैं जल्दी से जल्दी खाना खा के। भाई कोई गिफ्ट भी मिला हो तो मैं बाद में बताऊंगा ये किसने दिया था मुझे गिफ्ट। एंड अभी मैं जस्ट रेडी हो गया हूँ, तो तुषार अभी बाहर गया हुआ राहुल के साथ एंड वो अभी मेरे घर पे आएंगे, तो हम यहाँ से फिर निकलेंगे। यहाँ से दिखा रहा है हमें कुछ 12-12.5 घंटे का रास्ता, बट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि रूट क्लोज्ड, तो मे बी शायद रास्ता बंद ना हो। अभी तुषार भी आ गया हुआ है एंड अभी हम चेक कर रहे हैं कि जो यहाँ पे ना हमें 2 रास्ते दिख रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा कौन से रास्ते से जाए। एक है होशियारपुर वाला, एक ये, बट अभी मेरे को ना यहाँ पे रूट बंद ही दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या सीन है यार। और ऊपर से ये है 522 किलोमीटर, देख रहे हो। तो बंद थोड़ा ना, नेट पे दिखा रहे कि क्या कंबल, कंबल ले, जगह ही नहीं है, कंबल कहाँ रखना है, ऐसे सीट पे बिछा देना, फोल्ड करके सीट पे रख, चल देख लेते हैं। तो भाई जस्ट अभी हम निकलने लगे थे, तो कौन से चलना घूमने है क्या, बाय। तो भाई अभी हम जा रहे हैं घूमने, स्क्वाच बाय कर दे, बाय। अरे गंदा, चलना स्क्वाच, चलना तुमने, डिमांसी लाके दिया था मम्मी को, सॉरी। किसका शाल है ये, ये मम्मी का शाल आया भाई, तो मेरे को कहां से इंपोर्टेड है भाई, ये घुसा ना तू अपने तरीके से, सारे नहीं टूटे, सारे नहीं टूटेगी, तू एक बार नहीं घुसेगी रहने दे, यही बैग उसे अभी देखा भाई, देखो टायर पंचर अभी निकले भी नहीं है। तो फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं गाड़ी पे एंड पहले आए हम पेट्रोल पंप, पहले पेट्रोल डलवाएंगे क्योंकि देख रहे हो पूरी रिजर्व पे चल रही है गाड़ी, जब से मैंने गाड़ी निकाली है रिजर्व पे है, तो अभी पहले यहाँ से पूरी टैंकी फुल करवाएंगे। तो भाई अभी बिल्कुल छक्की, तो भाई ये अपना एक और भाई जो आपसे मे बी शायद नया फेस हो ब्लॉग में। अभी जस्ट पहुंचे हैं पल्ले खाने लखनपुर पे एंड देख सकते हैं, जस्ट अभी लखनपुर क्रॉस किया और देख रहे हो धुंध कितनी पड़ चुकी है रास्ते में। तो अभी हमें 2 रास्ते मिल रहे थे यहाँ से, एक था फुल हाईवे एंड एक मोड़ वाला था। तो अभी धुंध ज्यादा है तो हम शायद होशियारपुर वाली साइड से जो मेन हाईवे है वहाँ से जाएंगे। देख रहे हो कितनी ज्यादा धुंध पड़ी, दो तीन लोग बीच में है भाई, आपको पता है ये हम गलत रास्ते पे आ गए थे अभी, और बीच में दो तीन लोग ऐसे ही आ गए भाई, वो भी जो जनानी चल रही थी ना भाई, उसके पूरे मुंह में यहाँ पे ऐसे लाल लाल हुआ हुआ था, इतनी गोरी थी ना वो लड़की, तेरा दादा मतलब अजीब थी, मतलब इस रास्ते में आप देख रहे हो रात के 2 बज रहे हैं और कितना सुनसान है, बट यहाँ पे कोई मतलब बीच में एक लेडी चल रही थी, उसके आगे 2 बंदे लिफ्ट मांग रहे थे, मतलब बिल्कुल बीच में रोड के खड़े, यही प्रेफर करो कैसा सीन है, इतनी ज्यादा धुंध पड़ी हुई है, पूरी रोड खाली है, पूरी रोड
भाई धुंध चेक कर रहे हो कितनी ज्यादा पड़ी हुई है इस टाइम पे। अभी रात के बज रहे हैं 2 एंड इतनी ज्यादा धुंध पड़ी है ना सुबह से, मतलब हम ड्राइव कर रहे हैं पिछले 6 घंटे से ड्राइव ही किए जा रहे हैं। अभी तक हमने 300 किलोमीटर कवर किया हुआ है बट अभी भी काफ़ी रहता है रास्ता। पहले अभी हम यहाँ पे खाना खाने लगे हैं, अभी जस्ट टोल पे पहुँचे थे एंड हमारा जो फास्टैग था उसका रिचार्ज खत्म हो गया था तो अभी मैंने जस्ट रिचार्ज किया एंड यहाँ से अभी अपना पैन कार्ड दिया था तो इनसे पैन कार्ड लेंगे अभी। यहाँ हमने देख रहे हो वो वहाँ पर लगाई है, यहाँ पर आग सेक लेते थोड़ी देर। ये धुंध देख रहे हो कितनी पड़ रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है। क्या मानिक मानिक पर्ची? तो भाई अभी जस्ट फास्ट ट्रैक का हो गया तो मैंने पैन कार्ड दिया हुआ था अपने यहाँ पे क्योंकि मेरा रिचार्ज था जो वो ख़त्म हो गया हुआ था। एंड गाड़ी हमने देख रहे हो कितनी ज़्यादा फॉग है यहाँ पे, भाई बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ही ज़्यादा फॉग पड़ गई है यार, हमें आगे दिखने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इतनी प्रॉब्लम आ रही है ना। तो भाई अभी देख रहे हो पहला टनल कोई आ गया हुआ है टनल नंबर 1 करके। सो फाइनली गाइस अभी जस्ट हम पहुंच चुके हैं मनाली में एंड अभी अपने होटल में आ गए। ये अपना होटल है तो हमने बुक किया था आज के लिए तो वो हमें सुबह से मिलना था तो अभी हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े क्योंकि हम जल्दी आ गए हुए हैं, 6 बजे सुबह पहुंच के हुए हैं तो इन्होंने बुकिंग की हुई है सुबह 11 बजे से तो अभी हमने इनको 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए। भाई जस्ट अभी पहुँचे अपने रूम में, पैन सामान हमने यहाँ पर रख दिया तो ठीक ठाक ही है रूम, कुछ मतलब ओके है, अच्छा रूम। भाई अभी जस्ट मैं निकला था तो देख लो किसी ने ना यहाँ पर रैप फाड़ दिया हुआ है यार, यार ये क्या किया हुआ है, वो नाखून मारे कुत्ते ने ये क्या किया किसी ने, देख रहे हो ये क्या कर दिया यार, इतने प्यार से बनवाया था ना मैंने ये। भाई देख रहे हो खूनों के निशान है, जस्ट अभी भी शिकार हुआ है यहाँ पे कोई, देख रहे हो हम पता नहीं कौन से जंगलों में आ गया, कोई है ही नहीं, कोई टेंपल था इधर, देख रहे हो खून के निशान कैसे जा रहे हैं।